Hello students, you all are welcome to Mishra sir classes of English. Particularly in this class I am going to describe one of the best poem of IAS syllabus, that is The Spider and the Fly. This particular poem has been written by Mary Howitt. Mary Howitt was a great poet of 19th century, and she has written a large number of poems for the children. Particularly this poem has been written for adolescent children who are very much attracted towards the flattering words and just fell into the danger. So in spite of for warn them, this poem is very useful for them. Particularly we can also say that the poem is a warning to women against manipulating men who seduce them by flattery. So this is a very good poem. The poem is written in the form of a tale, just like a story, and it can be called as a fable because it gives us a very good moral lesson. So, and it is also there are some also reasons for calling it a fable, because it uses animals as characters to convey the message. So two characters what has been used here, by there is the spider and the fly, and it is the poem which gives us a very good message. So we are coming to the lines, and by lines we'll understand what is the main message, what does the poet wants to give us. So chalte hain line ke upar. Line kya kehta hai? Conversation yahan par do hi ke beech mein, ek spider ek fly. Hum ye keh le ki spider samaj ka wo vyakti hai, usko represent kar raha hai jo samaj mein bahut hi cunning hai aur apne acche acche baaton se दूसरे को ट्रैप कर लेता है. और फ्लाई एक इनोसेंट क्रिएचर है जो लोगों के अच्छे साफ सुथरी बातों में आ जाती है. तो इस तरह के दो लोगों के बारे में, यानी समाज के दो लोगों को रिप्रेजेंट करके पोएट ने स्पाइडर एंड द फ्लाई को यहाँ पर स्टैटल में नाम दिया है. तो यहाँ पर चलते हैं पोएम में. कहते हैं, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. स्पाइडर कहती है फ्लाई से, क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी. यहाँ पर पार्लर का मीनिंग क्या है? यहाँ पर पार्लर का मीनिंग है यानी यहाँ पर लिविंग रूम. तो क्या तुम मेरे लिविंग रूम में आओगी. शेड द स्पाइस, इट इज़ द प्रेस्टिजियसलेस्ट पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. ये दुनिया का सबसे सुंदर पार्लर है जो आज तक तुमने कभी देखा होगा. स्पाई मतलब टू सी. द वे इन टू माई पार्लर इज़ अप ए वाइंडिंग स्टेयर. अगर तुम मेरे पार्लर में आना चाहती हो तो बस ये वाइंडिंग स्टेयर है, ये घुमावदार सीढ़ी है, यही रास्ता है मेरे पार्लर में आने का. And I have many curious things to show when you are there. और जब तुम वहाँ पर आओगी तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर है जो मैं तुम्हें वहाँ पर दिखाऊँगा. तो यहाँ पर उसने प्रलोभन दिया स्पाइडर ने फ्लाई को कि मेरा जो पार्लर है बहुत ही प्रीटीएस्ट है, ये बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदर सुंदर क्यूरियस थिंग्स वहाँ पर उस पार्लर में रखा हुआ है जिसको तुम आकर के वहाँ पर देख सकती हो. तो इसके इस प्रलोभन में क्या ये फ्लाई फंसेगी. देखते हैं फ्लाई का क्या जवाब है. फ्लाई कहती है यहाँ पर, ओह नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, टू आस्क मी इज इन वेन. मुझसे रिक्वेस्ट करना कि अपने पार्लर में आने के लिए जो तुमने रिक्वेस्ट किया है, ये रिक्वेस्ट यूजलेस है, बेकार है, मुझे रिक्वेस्ट मत करना. फॉर हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो व्यक्ति तुम्हारे इस वाइंडिंग स्टेयर के थ्रू तुम्हारे पार्लर में गया है, कैन नेवर कम डाउन अगेन, वो कभी आज तक वापस नहीं आया. आई एम श्योर यू मस्ट बी वीरी. यहाँ पर फिर स्पाइडर दूसरी बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आई एम श्योर यू मस्ट बी वीरी. वीरी मतलब होता है टायर्ड. मुझे मालूम है कि तुम बहुत ही टायर्ड हो गए होगे डियर, वो सोरिंग अप सो हाई, क्योंकि हर समय तुम सोरिंग अप, सोरिंग मतलब फ्लाई, सो हर समय ऊपर नीचे उड़ती रहती हो, उड़ते उड़ते ऊपर उड़ते उड़ते तुम शायद बहुत थक गई होगी. विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, तो क्या तुम मेरे छोटे से सुंदर बेड पर आकर रेस्ट करोगी. ये स्पाइडर कहता है फ्लाई से, देर आर प्रिटी कर्टन्स अराउंड, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं. द सीट्स आर फाइन, और जो सीट्स है वो भी बहुत ही सुंदर है. एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट वेल, और अगर तुम चाहो तो थोड़ा देर के लिए तुम वहाँ पर वो फाइन और थीन सीट वाले जो कम्फर्टेबल हमारे बेड्स हैं उस पर तुम रेस्ट कर सकते हो. आई विल स्नगली टक यू इन. स्नगली का मतलब है कम्फर्टेबली, और टक मतलब होता है पुट. सो मैं तुमको बहुत आराम से वहाँ पर रख दूँगा और तुम रेस्ट कर पाओगे. एंड इस बार जो स्पाइडर है वो क्या करता है, तो उसे अच्छे कम्फर्टेबल बेड का रेस्ट करने का प्रलोभन देता है.
इस बात का जवाब क्या देती है फ्लाई? फ्लाई कहती है ओह नो नो, अरे बिल्कुल नहीं, सेड द लिटिल फ्लाई, फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट से, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात सुनी है कि दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड। मैंने अक्सर ये बात सुनी है कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारे बेड पर एक बार सो जाता है वो कभी उठता नहीं है। अब दो रिक्वेस्ट को तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखते हैं फिर क्या करता है स्पाइडर। शेयर द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू, ओ माई डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, वो वार्म अफेक्शन, वो प्यार जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति है उसको प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ, आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, मेरे पेंट्री में मेरे स्टोर हाउस में खाने की बड़ी सुंदर सुंदर सामान है, आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, और मैं तुमको उस खाने में वेलकम करता हूँ अपने पार्लर अपने यानी पेंट्री में, विल यू प्लीज टू टेक ए स्लाइस, क्या तुम वहाँ पर आकर एक पीस वहाँ पर कुछ खाओगी, या इस बार खाने का प्रलोभन। और नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, तो ये फ्लाई कहती है बिल्कुल नहीं, काइंड सर दैट कैनॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता, आई हैव हर्ड व्हाट इज योर पेंट्री, मैंने सुना है तुम्हारे पेंट्री में क्या सब है, एंड आई डोंट विश टू सी, और मुझे उस पेंट्री के सामान को देखने की कोई इच्छा नहीं। यानी खाने के सामान के ऑफर को भी फ्लाई ने रिजेक्ट कर दिया, यानी यहाँ पर पार्लर की सुंदरता, बेड के कंफर्टेबल होने के बाद की बात रेस्ट करने के बाद, और तीसरा यहाँ पर खाने के अच्छे अच्छे सामानों के ऑफर की बात भी ठुकरा दी गई है। यानी यहाँ तक तो लगता है कि फ्लाई बहुत ही समझदार है, लेकिन देखते हैं क्या उसकी समझदारी बनी रहेगी, उसकी समझदारी किस बात से ख़त्म हो जाएगी, ये सभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, नाउ स्पाइडर सेज हियर स्वीट क्रिएचर, ओ स्वीट क्रिएचर यू आर विटी एंड यू आर वाइज, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी क्लेवर, हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, तुम्हारे जो गॉजी विंग्स हैं, गॉजी विंग्स का मतलब है तुम्हारा जो ये ट्रांसपेरेंट और ये तुम्हारा लाइट विंग्स है ये कितना सुंदर है, हाउ ब्रिलियंट वर आइज, तुम्हारी आँखें कितनी सुंदर है, आई हैव ए लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर सेल्फ, मेरे पार्लर में एक बहुत ही सुंदर मिरर है, इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर, अगर तुम एक पल के लिए भी मेरे कमरे में मेरे पार्लर में वहाँ पर आओगे तो यू सेल्फ बिहोल्ड योर सेल्फ, तो तुम अपने आप को देख पाओगे, बिहोल्ड मतलब टू सी, तुम अपने आप को देख पाओगे यानी अपनी सुंदरता को अपनी आँखों से देख पाओगे। तो यहाँ पर स्पाइडर ने उसकी सुंदर आँखों को, यहाँ पर उसके गॉजी विंग्स को, और वहाँ के उसके फिजिकल ब्यूटीफुलनेस को, उसके इंटेलिजेंस को, उसके विजडम को वहाँ पर तारीफ कर दी। इस तारीफ को सुनकर शायद फ्लाई अपने आप को रोक नहीं पाई, और देखते हैं इसका क्या यानी रिप्लाई है। आई थैंक यू जेंटल सर सी सेड, तो ये फ्लाई कहती है कि ओ जेंटल सर थैंक यू फॉर दिस एंड फॉर दैट एंड फॉर व्हाट यू हैव प्लीज टू से, आपने जो कुछ भी कहा है उसके लिए आपको थैंक यू, एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, और मैं आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ, एंड आई विल कॉल अनदर डे, मैं आपके बुलावे पर दूसरा दिन आपके पार्लर में आऊँगी, आज नहीं। इतनी बात कहकर यानी फ्लाई थोड़ी सी आगे बढ़ी, स्पाइडर भी यहाँ से मुड़ गया, और मुड़ करके कहाँ चला गया, वेंट इन टू हिज डेन, अपने डेन में चला गया, डेन मतलब जहाँ पर उसका घर था, और यहाँ पर डेन कहा गया क्योंकि बहुत ही डेंजरस प्लेस है इसलिए डेन, फॉर वेल ही न्यू, क्योंकि यह स्पाइडर बहुत ही चालाक और जानता था, द सिली फ्लाई वुड सून कम बैक अगेन, कि ये मूर्ख फ्लाई जरूर 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 वापस आएगी, फॉर सो ही वो बी सबटल वेव, इसीलिए वो उसने क्या किया, इन द लिटिल कॉर्नर स्लाई, स्लाई मतलब सीक्रेटली, कॉर्नर मतलब कॉर्नर, एक छोटे से कॉर्नर में सीक्रेटली उसने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सबटाइल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, वेब मतलब जाल, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाल बुन लिया, तो जाल में फ्लाई को फंसा लेंगे, एंड सेट इज टेबल, और जब फंस जाएगा तो उसमें उसको मार देंगे, और खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी संभाल कर रख लिया, इस सीट यहाँ पर ला करके उसको खाएंगे, टू डाइन अपॉन द फ्लाई, कि फ्लाई को खाने के लिए उसने ये भी रख लिया, और इतना अपना सब कुछ इंटरनली जब वो सेट कर लिया, देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन, वो फिर से अब वो दरवाजे से बाहर आया, एंड मेरिड सॉन्ग, और वो बहुत खुशी पूर्वक गाना गाने लगी, अपने गाने में भी वो इस बार भी तारीफ ही कर रही है, कहते कम हिदर हिदर प्रेटी फ्लाई और ब्यूटीफुल फ्लाई, आओ इधर आओ विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग, तुम्हारी जो विंग्स हैं वो पर्ल यानी मोतियों की तरह और सिल्वर की तरह चमकदार है, तो रॉब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, तुम्हारे ड्रेसेस ग्रीन और पर्पल कलर के हैं, देयर इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे माथे पर तुम्हारे बालों का गुथा हुआ यानी एक वहाँ पर
उठा हुआ पोर्शन है, यानी बहुत ही सुंदर तुम्हारी यानी जूड़े माथे पर जो जूड़ा होती है लेडीज लोग बांधती है उसको यहाँ पर क्रेस्ट अपॉन को लगे, तो तुम्हारे माथे की जो जूड़े हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, और तुम्हारी जो आँखें हैं वो डायमंड की तरह चमकीली हैं। बट माइन आर डल एज लीड, और मेरी जो आँखें हैं वो लीड की तरह डल है। तो यहाँ पर उसकी फिजिकल ब्यूटीफुलनेस की फिर से बहुत जम के यहाँ पर तारीफ किया स्पाइडर ने, और इसको सुनकर बेचारी फ्लाई क्या करेगी, देखते हैं। एलास एलास इट्स वेरी सैड हाउ वेरी सोन दिस सिली लिटिल फ्लाई, अब ये सिली लिटिल फ्लाई ये मूर्ख फ्लाई बहुत ही जल्दी उसकी बात में आ गई। हियरिंग हिज वाइली फ्लैटरिंग वर्ड्स, यहाँ पर उसके वाइली और फ्लैटरिंग वर्ड्स को सुनने के बाद क्या हुआ, केम स्लोली फिटिंग बाय, आस्ते आस्ते वो नज़दीक आने लगी विद बजिंग विंग्स, अपने विंग्स को बजिंग करती हुई आवाज़ करती हुई अपने पंख से वो यहाँ पर मंडराने लगी। और देन नियर एंड नियर ड्रू, और फिर और नज़दीक आती गई। थिंकिंग ओनली ऑफ अ ब्रिलियंट आइज, जब वो आ रही थी तो वो सिर्फ अपनी सुंदर आँखों अपनी चमकती आँखों को उसके बारे में सोच रही थी, जैसा कि स्पाइडर ने कहा था। ग्रीन एंड पर्पल आए, वाह उसका ड्रेस कितना ग्रीन और पर्पल कलर कितना अच्छे कलर का है। थिंकिंग ओनली ऑफ अ क्रेस्टेड हेड, अपने क्रेस्टेड हेड अपने माथे पर जो उसकी जुड़ाएँ बनी थी बालों की उन क्रेस्टेड हेड के बारे में सोचने लगी। पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट, अब जंप द कनिंग स्पाइडर, और जैसे वो बिल्कुल नज़दीक आ गई ये कनिंग स्पाइडर उसके ऊपर जंप लगा दिया, उसके ऊपर कूद पड़ा एंड फियर्सली हेल्ड हर, और बहुत ही मजबूती से उसको पकड़ लिया दबोच लिया। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, और अपने घुमावदार सीढ़ी से घसीटता हुआ उसको ले गया कहाँ पर, अपने उस डेन में, तो इस डिसमल डेन उसका जो सैड डेन था उस सैड डेन में उसे ले गया। पर्पल डेन डिसमल मतलब पर्पल सॉरी मतलब बहुत ही सैड डार्क डेन में ले गया। विद इन इज लिटिल पार्लर, अपने छोटे पार्लर में, बट सी नेवर केम आउट अगेन, और वहाँ से वो फ्लाई कभी भी वापस नहीं आई। तो इसकी कहानी तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस लास्ट का चार लाइन जो बचा हुआ है वो एक मॉरल लेसन है या एक तरह से वार्निंग है पोएट का बच्चों के लिए। पोएट कहती है, नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रेन, ओ माई डियर चिल्ड्रेन, हाउ मेड दिस स्टोरी एंड हु मेड दिस स्टोरी रेड, जिस बच्चे ने इस कहानी को पढ़ा होगा, टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स, और आई प्रे यू नेवर गिव हर, उन सारे बच्चों को मैं वार्न करना चाहती हूँ, पोएट कह रही है कि जिसने भी आइडल सिली और फ्लैटरिंग वर्ड्स कभी सुना हो उस पर कभी ध्यान मत देना, यानी कभी भी फ्लैटरिंग वर्ड जो तुम्हारी तारीफ करे सिली फ्लैटरिंग उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। ऑन टू एन ईविल काउंसिलर क्लोज हर्ट एंड ईयर एंड आई, जब कोई ईविल काउंसिलर, जब कोई यानी कोई बैड एडवाइजर, जब तुम्हारी कोई बुरा सोचने वाला तुम्हें तारीफ करे तो उस वक्त ऐसे बैड एडवाइजर से अपनी आँख अपनी कान और यहाँ तक कि अपना दिल भी बंद कर देना। एंड टेक ए लेसन फ्रॉम दिस टेल, और ये जो टेल है ये जो कहानी है स्पाइडर ऑफ फ्लाई की, इस कहानी से तुम एक लेसन लेना और अपने आप को तुम ऐसे लोगों से बचाना। इस तरह से हमने देखा कि पोएम में पोएट एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहता है, ख़ासतौर पर उस एडोलेसेंस पीरियड के बच्चों के लिए जो बच्चे यानी इस पीरियड में किसी की बातों में बहकावे में आ जाते हैं और बाद में यानी किसी विकट स्थिति में फंस जाते हैं, तो इसीलिए उनसे बचने के लिए ही इस पोएम को लिखा गया है। तो ये पोएम काफ़ी यूजफुल है ख़ासतौर पर 11 और 12 के बच्चे के लिए, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर देयर ओन सोशल लाइफ। तो इस तरह से ये पोएम तुम्हें अच्छा लगा होगा, अगर ये पोएम तुम्हें अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और यानी शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल को नो किया हो या ISC से रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा इसे तुम्हें यानी मेरे चैनल में उसका सॉल्यूशन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर अभी तक नो किया हो तो अगर अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।